बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनते ही एक्शन में आ गई है। आज सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक है, जिसमें असेंबली के नए सेशन के बारे में तो फैसला होगा ही और कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, लेकिन अब नीतीश कैबिनेट की पिक्चर बदल गई है। अब बीजेपी के ज्यादा मंत्री हैं, एक की जगह 2 डिप्टी सीएम हैं, और सच तो ये है कि नीतीश कैबिनेट में बीजेपी का दबदबा है, और इसी से अब ये अटकलें लग रही हैं कि क्या बिहार सरकार अब बीजेपी की मर्जी से चलेगी, यानी नीतीश के लिए आने वाला टाइम काफी चैलेंजिंग होने वाला है। नीतीश कुमार का 7th एपिसोड स्टार्ट हो चुका है। शपथ के बाद नीतीश और उनकी स्पेशल 14 टीम रेडी है। आज सुबह 11:30 बजे नीतीश की नई नवेली कैबिनेट की पहली बैठक है, यानी आज से अब एक्शन की बारी है। ऊपर से तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन क्या सब कुछ ठीक ठाक है? तो इसका जवाब होगा शायद नहीं। वजह कई है। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि पहली बार इस अलायंस की सरकार में बीजेपी बड़ी पार्टी है। पहली बार इस गठबंधन वाली सरकार में सुशील मोदी नहीं है। पहली बार इस गठबंधन वाली सरकार में 2 डिप्टी सीएम हैं। पहली बार इस गठबंधन वाली सरकार में बीजेपी ने एक को छोड़कर सभी नए चेहरों को मौका दिया है। इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार पर पहले से ज्यादा बंधन लगाए जाएंगे? जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाएंगे। 2 डिप्टी सीएम है इस बार बीजेपी के, ये तो अच्छी बात ही है। काम ज्यादा बेहतर ढंग से करेंगे। आपको लगेगा तालमेल नीतीश कुमार से बढ़िया चल सकेगा? निश्चित रूप से चलेगा, इसलिए हम लोग साथ काम कर रहे हैं। सुशील मोदी का भी मार्गदर्शन लेते रहेंगे? आप तो बड़े करीबी माने जाते हैं उनके। हमारे वो नेता हैं सुशील मोदी जी सहित और जो अन्य हमारे मार्गदर्शक हैं, हम सभी मिल के काम करते हैं। और जो अपनी पार्टी की हमारा विचारधारा है, विचार है, और आप तो जानते हैं कि यहाँ पे विचार जो है हमारी 50% आबादी है, और आधी आबादी जब है अपने यहाँ क्या कहते हैं, महिला को अर्धनागेश्वरी कहते हैं, और अर्धनागेश्वरी अगर होती है तो आधे पुरुष और आधे महिला की होती है ना, आप सभी लोग होते हैं, और उसके बिना तो काम चलता नहीं है। नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सबसे ज्यादा सवाल सुशील मोदी को लेकर उठे। सुशील मोदी पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। नीतीश के सामने भी ये सवाल आए, उनका क्या जवाब था वो आप सुनिए। व्यवहारिक अंदर्वहन करना है और क्या। सर नई टीम होगी इस बार, नया टीम है। बिल्कुल, हर बार कुछ न कुछ नयापन आता है। सुशील मोदी सर, नीतीश कुमार को इस बार जो गद्दी मिली है वो बेहद ही विपरीत परिस्थितियों में मिली है, इसलिए उनकी ये 7वीं पारी काफी चैलेंजिंग होने वाली है। अब बिहार की जनता कोई बहाना नहीं सुनने वाली है, उन्हें जमीन पर एक्शन दिखाना ही होगा। नीतीश की नई टीम के आगे 7 निश्चय के वादों के अलावा कई बड़े चैलेंजेज होंगे। वैक्सीन बनने तक कोरोना पर लगाम लगाए रखना होगा। बिहार में युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बनाने होंगे। बिहार से बड़ी संख्या में युवाओं का पलायन रोकना होगा। स्वास्थ्य सेवाएं और कानून व्यवस्था को बेहतर करना होगा। जनता का फैसला है, उसी के अनुरूप फिर से एनडीए की सरकार बनी है। हम लोग मिलकर काम करेंगे, जनता की सेवा करते रहे, जनता की सेवा करते रहेंगे। नीतीश और उनकी सरकार के सामने टू डू लिस्ट तैयार है। नीतीश 7 निश्चय पार्ट 2 का प्रॉमिस करके सत्ता में लौटे हैं, इसीलिए नीतीश को 7 निश्चय पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और इन 7 निश्चय में युवा से लेकर महिला और रोजगार से लेकर स्वास्थ्य तक सबकी बात की गई है। साथ ही एनडीए का एक संयुक्त एजेंडा भी होगा, जिसको लेकर नीतीश सरकार को आगे बढ़ना होगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में नियंत्रण रेखा पर